हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम आ चुके हैं नोरा हट। एंड नोरा हट जो है ये हमेशा वैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ एग्जीबिशन लगता रहता है। सो अभी जो करंट टाइम में एग्जीबिशन चल रहा है वो 28 तक रहेगा। सो अगर आप आसपास रहते हो तो यू हैव टू विज़िट दिस प्लेस। एंड यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, होम डेकोर रिलेटेड और किचन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। एंड क्लोथिंग आइटम्स भी हैं काफ़ी सारे। एंड डोर में कुछ हैंग करने के लिए या फिर मतलब आपको हर तरह की वैरायटीज़ यहाँ पर मिलने वाली है। सो गाइज़, अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हो तो अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो मेट्रो स्टेशन 34 सेक्टर 34 पे उतरना पड़ेगा आपको। देन वहाँ से आप ऑटो लेकर 30 रुपीज़ में यहाँ पर पहुँच सकते हो। देन इसके बगल में जस्ट आपका चोखिया वैली भी है, अगर आप विजिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। भैया ये बर्ड हाउस कितने का है? 320। और ये वाला, ये प्लांटर है या फिर वैसा कुछ है? ये मेटल में है क्या? अच्छा, और आपको यहाँ पे बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांटर्स मिलने वाले हैं, बर्ड हाउस मिलने वाले हैं। एंड ऐसे आप ये देख सकते हो सामने जो है इस तरह के बाउल जिसमें आप बर्ड्स के लिए फीड एंड वाटर रख सकते हो और अपनी बालकनी में या फिर अपनी गार्डन में हैंग कर सकते हो। तो ऐसी भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत ही प्यारी प्यारी थी। एंड ये कुछ फाउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे सामने, ये भी काफ़ी प्यारे प्यारे से थे। और आप जैसा भी लेना चाहो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको शिव जी का चाहिए तो ऐसा भी मिल जाएगा। बुद्धा के कई सारे थे एंड राधा कृष्णा के थे और भी बहुत ही प्यारे प्यारे से थे। तो आप यहाँ से कुछ भी परचेज कर सकते हो। हाँ, इनका प्राइस भी वही होता है 1000-2000-3000 ऐसे करके, लेकिन हाँ ये बार्गेनिंग कर रहे थे। सबसे अच्छी बात यही है कि ये बार्गेनिंग कर ले रहे थे, थोड़ा बहुत तो ये बार्गेनिंग कर ही रहे थे अगर आप ले रहे हो मटेरियल कोई भी इनका। तो देन इसी शॉप के बगल में ये दूसरी शॉप थी, यहाँ पर क्रॉकरी सेट्स काफ़ी सारे थे। एंड किचन के लिए आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पून होल्डर एंड इस तरह की कुछ प्लेट्स वगैरह भी मिल रही थी। प्लेट्स का भी प्राइस ज़्यादा नहीं था, ये 250 पर पीस दे रहे थे। एंड ऐसे ये ग्रीन वाली जो लीफ शेप में है ये 150 के दे रहे थे। लेकिन हाँ, ये बार्गनिंग करने के बाद लेकिन 40-50 रुपीज़ आराम से बार्गनिंग कर ले रहे थे अगर आप परचेज कर रहे हो तो। एंड यहाँ पर ऐसे ये डेटॉल बॉटल वगैरह एंड काफ़ी सारे आपको कैटल वगैरह भी मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। एंड ये पतीले भी आप काफ़ी सारे मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। और यहाँ पर कई सारे पॉट्स एंड फ्लावर वॉश वगैरह भी हैं, ये 250 के दे रहे थे। एंड बार्गनिंग भी से ले रहे थे, लाइक 30-40 रुपीज़ जो है बार्गनिंग भी कर रहे थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कलर भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे। भैया ये पॉट कैसे दे रहे हो? 250। ओनली फिक्स रेट, कम नहीं करेंगे? और आपको यहाँ पर कई सारी ऐसी शॉप मिलने वाली है जहाँ पर आपको बिस्किट मिलती है एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज जो आते हैं वो, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। कैंडी है, चॉकलेट शॉप और ऐसी चीज़ें मिलने वाली है। एंड इसके जस्ट बगल में एक और शॉप थी जहाँ पर मिट्टी और ये टेराकोट और सिरेमिक में ऐसी होम डेकोर थी और बर्ड हाउसेज भी काफ़ी सारे थे। एंड ये डोर में हैंग करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने रखी थी, फाउंटेन्स वगैरह भी थे। और आप ये देख सकते हो ये जो बटरफ्लाई है ऐसे आप सिंगल सिंगल ये दे रहे थे और इन्हें प्लांट्स में डेकोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप ये समझ सकते हो
एंड इसके जस्ट बगल में एक दूसरी शॉप थी, यहाँ पर ही इन्होंने बेसिकली बैम्बू के और कुछ ग्रास वगैरह के ऐसे चीज़ें बना रखी थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। और आप इसे चपाती वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हो एज अ चपाती कंटेनर। आप ये देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा है। और ऐसे ये छोटे छोटे से कोस्टर रखने के लिए बना रखा था इन्होंने। ये पूरा सेट मिल रहा था 250 का, आई थिंक आपको ये बहुत ही प्यारा दिखेगा और ये अच्छा भी लग रहा था काफ़ी। और इस तरह के आपको कई सारे बैम्बू के कप्स वगैरह भी थे या कॉफ़ी मग वगैरह भी थे, और ये एज आ डेकोर ही यूज़ कर सकते हैं। और ये शायद हम किचन में पीने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। एंड ये एक दूसरी शॉप थी जहाँ पर आपको ऐसी ज्वेलरीज मिल जाएंगी, मतलब ऐसे नेक पीसेस वगैरह, ये सारे ही हैंडमेड होते हैं। और इनका प्राइस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा था बिकॉज ये 300 समथिंग बोल रहे थे, 150, 250, 300, 500, 400 ऐसे से करके मोस्टली सबका प्राइस ऐसे ही था। एंड अच्छे लग रहे थे, ये लाइट वेटेड भी थे काफ़ी एंड इजी टू कैरी ऐसा समथिंग था। और कई सारे कलर्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, मतलब मल्टी कलर्स में भी आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आप ऐसा ब्लैक में लेना चाहो सिंपल, तो ब्लैक में भी, येलो वाइट ऐसे से करके, तो कलर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे आराम से। यहाँ पर आपको दो तरह की ऐसे रिंग्स मिलने वाली, 50 ओके okay. इसका कलर अच्छा है, ये पूरा ओके डबल लेयर में, अच्छा चीज़ वगैरह भी थे काफ़ी सारे और ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इनको कैरी करने पे ये काफ़ी खूबसूरत सा लुक देंगे, तो अगर आप कुछ भी वैसा वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हो तो उसके लिए परफेक्ट ज्वेलरीज रहेंगी। और ये थोड़ा सा अलग और डिफरेंट सा और एक एलिगेंट लुक देने वाली है, तो अगर आपको विजिट करते हो तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। एंड ये बार्गेनिंग भी कर, बहुत ही प्यारा लग रहा है, सारे सेट मुझे आपके अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बहुत ही अच्छा है, इसका प्राइस कितना है? 650 का। अच्छा ये वाली कैसे दे रहे हो रिंग्स? ये 30 रुपए की। अच्छा यहाँ पर ये रिंग्स थी, एक 30 की थी और एक 50 की थी, तो इस तरह से प्राइजेस है। एंड ये थोड़ी छोटे छोटे से कुछ डेकोरेशन के, ये कितने के हैं? देन यहाँ पर आपको इस तरह की पेंटिंग्स वगैरह भी मिल जाएगी, और ये पेंटिंग्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और इस वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा हाई होता है, बिकॉज इसमें ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है बनाने में और फिर उसको फ्रेम एंड मतलब ओवरऑल कॉस्ट जो हो जाती है थोड़ी सी हाई हो जाती है। एंड तो इसका प्राइस जो है 150, 400 ऐसे से करके था, और जैसे जैसे आप उसका साइज पेंटिंग का बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस भी, मतलब 1000, 2000, 3000 ऐसे से करके था। देन यहाँ पर एक दूसरी शॉप थी, इस शॉप में आपको ऐसा कुछ डेकोरेटिव बास्केट्स वगैरह मिल जाएंगे या गिफ्ट आइटम्स आप कह सकते हो। और ये डॉल बहुत ही प्यारी प्रिटी सी लग रही थी, तो मैंने इसका एक शॉर्ट क्लिप ले लिया। देन ये यहाँ पर आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ, और ये थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है बट ये भी डॉल जैसा ही कुछ था। एंड देन ये एक वुडन शॉप थी, यहाँ पर आपको वुडन हर चीज़ मिल जाएगा, लाइक ये जो है ट्रे वगैरह, ये आई थिंक 400 का दे रहे थे क्या भैया, पता नहीं मुझे प्राइस एग्जैक्ट याद नहीं है, पर ऐसी सारी चीज़ें थी, ये होल्डर्स वगैरह काफ़ी सारे शेप्स में थे, होम एप्पल गिटार और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में थे। एंड ये जो है कॉफ़ी सॉल्ट्स, कॉफ़ी एंड सॉल्ट वगैरह रखने के लिए था, तो ये 3 के सेट में था। एंड बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी, यूनिक सी चीज़ें थी। और ये एंड ये बॉक्स था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इससे मैं एज अ माउथ फ्रेशनर और इलायची या फिर इस तरह की चीज़ें रख के टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए यूज़ कर सकती हूँ।
छोटी चीज़ें मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं, तो आप अपने घर के लिए ऐसा कुछ ले सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक ट्रे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिल जाएंगे। स्पून होल्डर है ये, बेसिकली ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, वुडन था। एंड इस तरह की सारी चीज़ें भी थी। कॉम्ब है, ये देखो कॉम्ब भी है आपको वुडन, एंड ये स्पून वगैरह भी आपको वुडन मिल जाएंगे। और ये देखो बुक होल्डर है, जैसे गीता है, गीता भगवत गीता है छोटी सी, आप उसको रख सकते हो, आप अपनी पूजा वाली अलमारी में रख सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी। डाइस है, एंड ये घर के लिए किचन यूटेंसिल्स भी काफ़ी सारे आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर, और कोस्टर वगैरह भी मिलने वाले हैं, तो आप ले सकते हो। देन ये होम डेकोर के लिए ऐसा कुछ ये कार वगैरह थी, तो ये भी ले सकते हो। और यहाँ पर ट्रैक्टर है, ये सारी चीज़ें भी थी। और देख रहे हो आप कितने अच्छे अच्छे कलर्स में हैं, और इनका प्राइस भी ये 250 और 300 ऐसे समथिंग बता रहे थे, लेकिन ये सबसे अच्छी बात ये है बार्गनिंग कर दे रहे थे, तो आपको विद इन योर प्राइस मिलने वाला ये आइटम। एंड ऐसी साइकिल वगैरह भी थी, और ये बैठने के लिए चेयर वगैरह, जैसे आप गार्डन में वो बर्ड्स का पेयर कैसे दे रहे हो, वो वुडन में जो रखा है वो जो है 800 रुपीस का है। अच्छा, और ये जो बर्ड्स का पेयर है ये अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा प्राइस मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था, बिकॉज़ ये 800 का बोल रहे थे, और मेरे को ये मगर 500-600 में देते तो मैं ले लेती, बट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, और ये पूरा वुडन था तो मुझे नहीं लगता ये प्राइस इतना ज़्यादा लेस करते, सो मैंने फिर नहीं लिया। और ये वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया मुझे, बिकॉज़ यहाँ पर ना चीज़ें बहुत ही प्यारी प्यारी और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में थी, काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा था। यहाँ पर ये जो है एज अ पेन होल्डर भी यूज़ कर सकते हो, और ये टूथपिक होल्डर, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं थे। 100 का 1 पीस मिल रहा था, एंड कुछ कुछ 250 का 350 के ऐसे से मिल रहे थे। और इनकी शॉप पे कुछ ऐसे वुडन टच में ट्रे और ये शोप होल्डर थे, शोप रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे थे। और ये ऐसी शॉप थी जहाँ पर आपको ये स्टोन में इयर रिंग्स और पर्ल में इयर रिंग्स, और इयर रिंग्स भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में और बहुत ही प्यारे प्यारे से थे, और ऐसे नेकलेसेस थे, और ऐसे बहुत सारी स्टोन या मोतियों में ऐसी मालाएं भी थी जो आप ले सकते हो। बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर्स में थे, सिंगल कलर्स में भी थे और मल्टी कलर्स में भी थे, आप देख सकते हो। एंड ये थोड़े से मतलब वही था कि महंगे लग रहे थे मुझे, बिकॉज ये 250, 350, 400 ऐसे से करके दे रहे थे। और इस शॉप में हमें ये राजस्थानी और गुजराती टच में कुछ पर्स और बटवे वगैरह मिलने वाले हैं, कुछ स्लिंग बैग है, और कुछ थोड़े से बड़े शेप में बड़े साइज में जो बैग्स आते हैं वो भी थे, लेकिन इनका मुझे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगा, बिकॉज ये बटवे वगैरह जो थे वो 350 समथिंग दे रहे थे, और ये क्लचेस वगैरह भी काफ़ी महंगे लगा रहे थे, जबकि हम और कहीं से ले लाइक सरोजनी है या फिर सदर बाज़ार है तो वहाँ पर ये आपको 100-150 ऐसे में मिल जाएंगे, तो ये मुझे थोड़ा सा महंगा लगा। देन आपको यहाँ पर कुछ ऐसे शॉप्स है जहाँ पर आपको सूट्स वगैरह मिल जाएंगे, कुछ स्टिच्ड रहेंगे और कुछ अनस्टिच्ड रहेंगे, तो सूट्स है, स्कर्ट है, शॉल है, एंड ऐसे मैक्सी सूट है, ये सारे आपको मिलने वाले हैं। एंड आपको शॉल की बहुत सारी वेराइटीज़ मिलने वाली हैं, कश्मीरी टाइप में भी मिलने वाले हैं शॉल, और ये एक सिंपल सा ऐसा ज्वेलरी का स्टॉल था, स्टोन ज्वेलरीज थी यहाँ पर, कुंडन वाली इस तरह की, और इनका भी पैटर्न और डिज़ाइंस काफ़ी यूनिक और एलिगेंट से थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो आप देख सकते हो।
और ये बेसिकली जो शॉप थी ये वैसा ही होम डेकोरेशन के लिए, इंटीरियर के लिए। यहाँ पर लैम्प्स है और वॉल पे लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सा, एंड ये कुछ लैम्प्स वगैरह भी थे छोटे छोटे, ये 250 पर पीस दे रहे थे, और जिसमें अंदर लाइट्स वगैरह जल रहे थे वो थोड़े से 350। ये कैसे दे रहे हो ये वॉल पे लगाने के लिए? पूरा 5000 और उसके नीचे वो सब सेम डिस्काउंट हो जाएंगे 4500 का 5 पीस लगा दे रहे थे। तो ऐसा था, और इनकी शॉप में ऐसा ये कैंडल होल्डर भी था, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, और ऐसी ग्लासेस भी थी, ब्रास या कॉपर आई दोनों किस चीज़ की थी पर ऐसी ग्लासेस थी, और ये भी था, ये भी कोई मेटल में ही है, पीतल वगैरह शायद। आप इसमें कुछ भी किचन के सामान रख सकते हो, ये एप्पल शेप में जो है ये बीच से दो पार्ट में हो जाता है, एंड यहाँ पर ऐसे पॉट्स वगैरह भी थे। और ये जो शॉप है ये बेसिकली मैक्रम बेस्ड है, जो कॉटन मैक्रम थ्रेड्स आते हैं उनसे बनी हुई चीज़ों से। तो यहाँ पर देख सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैग्स थे, और ये फ्लावर पॉट होल्डर्स वगैरह भी थे कई सारे, और ये ऐसे ये डोर्स पे लगाने वाले भी कई सारे थे। ये जो सबसे छोटा है वो 50 का है, देन 100 का, देन 150, 200, 250 ऐसे ही करके था, जैसे जैसे सेप बढ़ रहा है उसका प्राइस थोड़ा सा राइज करेगा। एंड आप ये देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा था, और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड भी मिल जाएंगे, कलर्स वगैरह वेराइटीज़ काफ़ी थी। देन यहाँ पर ये कुशंस वगैरह भी थे कई सारे, और आपको इनकी शॉप पे मैक्रम से बनी हुई चीज़ें मिलने वाली, लाइक अभी डेकोर से रिलेटेड लाइक आप डोर के सामने बहुत ही प्यारा लगता है। एंड यहाँ पर कुशंस यहाँ देखो वगैरह भी थे जो कि मैक्रम शेड से बने हुए हैं, और कुशंस भी 150, 250 ऐसे करके 300 ऐसे करके मिल रहे थे पर पीस अकॉर्डिंग टू क्या ले रहे हो आप क्वालिटी। तो ये एंड यहाँ पर कुछ ये ऐसे पर्सेस भी थे, आप ये देख रहे हो शीशेल्स वाले, एंड ऐसे जूट में भी थे कई सारे, और ये मोतियों से बने हुए भी थे, एंड इनका प्राइस भी आई थिंक ये कोट कर रही थी 250, 300, 400 ऐसे समथिंग, और अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड प्रोडक्ट मतलब ये प्राइजेस भी ठीक ठाक लग रहे थे मुझे, ज़्यादा महंगा और कॉस्टली नहीं लगा। एंड ये मैक्रम के पर्सेस भी कई सारे थे इनके पास, मेरे को 3 कुशन कवर लेने हैं यहाँ से, देखने में भी काफ़ी प्यारे लग रहे थे, और कलर लग रहा था काफ़ी, कलर सेलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और आप ये देख सकते हो ये कितना प्यारा सा लग रहा है। ये कुशन कवर ही थे यहाँ पर, बहुत ही आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं कुशन कवर के, ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में भी अवेलेबल थे। ये आपको अगर आप छोटा कुशन कवर लेना चाहते हो वो भी मिल जाएगा, और आपको लार्ज साइज का लेना चाहते हो तो वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। और इन्होंने बोला था कि ये ऑनलाइन भी सेल करते हैं, और इनका कार्ड भी इन्होंने मुझे दिया था, मुझे 3। अगर आप चाहते हो ऑनलाइन भी परचेज करना तो यहाँ से परचेज कर सकते हो। एंड यहाँ पर ये जो दरिया है या कारपेट्स वगैरह है यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी, और ये डोर मैट है, और ये कई सारे शेप्स में थे आप देख सकते हो, लीफ शेप में, और ये फुटप्रिंट टाइप का, और ये हाफ सर्कल है, राउंड राउंड है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, ऐसे करके। और ये जो कारपेट्स हम लोग भी बेड के बगल में बिछाते हैं वैसे वाले भी थे, थोड़ा सा लंबे से रेक्टेंगुलर, और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स में थे, ग्रे कलर, ब्राउन कलर और रेड कलर ऐसे ऐसे करके। और अगर आप गार्डन के लिए कुछ ऐसे चेयर्स देखना चाहते हो तो वो सारी भी थी, बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे। एंड कुछ इस तरह के वुडन फ्लावर वॉश वगैरह भी थे, वो भी बहुत ही थोड़े से बड़े थे साइजेस में अकॉर्डिंग टू, मतलब प्राइस भी आई थिंक 1500-2000 ऐसे ऐसे था। और ऐसे ये बांस की, बैम्बू की ये फ्रूट बास्केट जो है वो आपको मिल जाएगी, एंड ये भी 150 और 200 में मिलने वाली है। तो अगर आप चाहते हो तो आपको इस तरह की कई सारी घर के लिए चीज़ें मिलने वाली हैं, और ये स्वान या बर्ड्स का जो पेयर है यहाँ पर भी था, तो ये भी बहुत ही अच्छी अच्छी एंटिक पीसेस मिलने वाले हैं आपको। तो आप विज़िट करो और देखो आपको क्या क्या चीज़ें पसंद आती हैं वहाँ पर, लेकिन ये एक चीज़ अच्छी है कि ये बार्गेनिंग कर देंगे और आप आराम से कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो। सो अभी
आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक वीडियो के साथ हमारी प्यारी प्यारी से चीज़ें और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला था इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट बना दिया है। आप देखिए, बाय बाय।